नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं शंघाई फोर्ट्रेस नामक एक विज्ञान फाई युद्ध फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। निकट भविष्य में एक चीनी अंतरिक्ष यान शांतांग नामक एक नए खोजे गए ऊर्जा स्रोत के साथ पृथ्वी पर वापस आता है। कुछ ही वर्षों के भीतर यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह ले लेता है और शहरों में अभूतपूर्व और सुपरफास्ट विकास देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से इस ऊर्जा का इतना अधिक उपयोग करने से एलियंस की एक प्रजाति का भी ध्यान जाता है कि एक दिन शांतांग चोरी करने का बदला लेने के लिए अपने जहाजों को दुनिया भर के सभी प्रमुख शहरों पर हमला करने के लिए लाते हैं। यह हमला कुल आश्चर्य के रूप में आता है और शांतांग पर निर्भर रहने के बिना सभी शहरों को खंडहर में छोड़ देता है। आखिरकार 97 देशों के नेताओं ने दुनिया के आखिरी खड़े शहर को बचाने के लिए एक अनूठी रक्षा प्रणाली बनाने के लिए शंघाई में एक आपातकालीन बैठक की। एक सिमुलेशन का उपयोग करके जो एलियंस को एक और हमले के लिए अपने उड़ने वाले रोबोट भेजते हैं, जियांग ज़ेनयू यी और पैन द्वारा गठित ग्रे ईगल टीम युद्ध में रोबोटों को शामिल करने के लिए सैन्य ड्रोन के नवीनतम मॉडल को नियंत्रित करती है। उनका टीम वर्क उत्कृष्ट है क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास ऐसे कौशल हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें स्वयं कमांडर लिन लैन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कमांडर यी उन परिणामों से बहुत खुश है और नोटिस करता है कि जियांग पायलटिंग में विशेष रूप से अच्छा है। लिन लैन ने यह कहकर इसकी पुष्टि की कि वह अब तक का सबसे अच्छा है। यह पता चला है कि जियांग उस लॉजिस्टिक्स टीम का हिस्सा हुआ करता था जिसने शंघाई तोप का निर्माण किया था, जिसने शंघाई को अंतिम स्थायी किला बनाने की अनुमति दी थी। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए वह मदद करने के लिए जूझ रही टीम में शामिल हो गया। एक और दिन के प्रशिक्षण के बाद जियांग कार्यालय छोड़ देता है और लिफ्ट में भाग जाता है ताकि वह लिन लैन के साथ जा सके, जिस पर जियांग का बहुत बड़ा क्रश है। आज लिन लैन का जन्मदिन है और जियांग उसे एक फूल उपहार में देना चाहता है, लेकिन वह शर्मिला और झिझक रहा है। जब तक वह हिम्मत जुटा पाता है तब तक लिन लैन पहले ही लिफ्ट हो चुकी होती है। बाद में घर पर जियांग उसे आज के प्रशिक्षण के बारे में एक संदेश भेजता है और उसके जवाब को देखकर खुश होता है कि उसने अच्छा किया। कुछ समय बाद यून ने लिन लैन को सूचित किया कि नई दिल्ली भी एक विदेशी हमले का शिकार हुई है और वह चाहता है कि वह वहां एकत्रित जानकारी का उपयोग अपने बचाव में सुधार करने के लिए करे। किले में अचानक कोड रेड की घोषणा की जाती है। यह पता चलता है कि शंघाई के ऊपर एक एलियन मदरशिप दिखाई दी है। पूरे शहर में लोग घबराने लगते हैं, लेकिन जल्द ही सैनिक किले में अपनी टीमों में शामिल होने से पहले उन्हें संबंधित आश्रयों में ले जाते हैं। उनके कई बचावों में शहर में एक विशेष बल क्षेत्र है जो लेजर बीम को रोकता है, जिसके साथ मदरशिप अपना हमला खोलती है। हालांकि बल क्षेत्र लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता है और जब बीम एक छेद बनाने का प्रबंधन करता है तो इंजीनियरों द्वारा इसे ठीक करने से पहले एलियंस इसके माध्यम से रोबोटों की एक सेना भेजते हैं। पायलट तुरंत अपने ड्रोन को उनसे लड़ने के लिए भेजते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी भी नागरिक को चोट न पहुंचे जो अभी भी आश्रय में चल रहा है। रोबोटों में से एक किले के पास पहुंचता है और सड़क के बीच में उतरता है, जिससे एक कार दुर्घटना होती है जो लगभग एक लड़की को टक्कर मारती है। सौभाग्य से जियांग उसे समय से पहले रास्ते से हटा देता है। फिर रोबोट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर गोली चलाना शुरू कर देता है, इसलिए आर्टिलरी टीम इसे रोकने की कोशिश करने के लिए गोलियां चलाती है। कोई फायदा नहीं हुआ। जियांग बिना भाग्य के भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय लिन लैन द्वारा नियंत्रित एक टैंक आता है और सेकंडों में उसे नष्ट कर देता है। ड्रोन बाकी रोबोटों को समय से पहले ही खत्म कर देते हैं ताकि इंजीनियर बल क्षेत्र को ठीक कर सकें। इस प्रकार मातृत्व क्षेत्र को अभी के लिए छोड़ देता है। बाद में विज्ञान प्रभाग ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने लड़ाई के दौरान मातृशक्ति को स्कैन किया और उसमें एक कमजोर बिंदु की खोज की। समिति इसे हिट करने के लिए शंघाई तोप का उपयोग करना चाहती है, लेकिन यून उन्हें ऐसा नहीं करने देता क्योंकि जवाबी हमला लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। बाद में यून लिन लैन को यह समझाने के लिए एक सुरक्षित सुविधा में ले जाता है कि शंघाई के पास शांतांग की अंतिम जमा राशि है जो अत्यधिक अस्थिर है और केवल एक चीज है जो शहर को चालू रखती है, जिसमें किले और बल क्षेत्र शामिल हैं। यदि वे तोप से गोली चलाते हैं तो वे शेष सभी शांतांग को बर्बाद कर देंगे और शहर को रक्षाहीन छोड़ देंगे। एलियंस को खाड़ी में रखने का सबसे अच्छा तरीका उनकी ईगल टीम को प्रशिक्षण देना जारी रखना है ताकि वे एक दिन बल क्षेत्र को बदल सकें। इस बीच जियांग और उसके दोस्त एक छत पर घूम रहे हैं, एक पेय और अपने सपने साझा कर रहे हैं कि अगर वे युद्ध में नहीं होते तो वे अपने जीवन के साथ क्या करते। पैन विशेष रूप से अपनी बाइक को पूरा करना चाहता है और इसे स्वतंत्र रूप से सवारी करना चाहता है। वे अचानक एक आपातकालीन कॉल से बाधित हो जाते हैं जो घोषणा करता है कि शहर पर फिर से हमला हो रहा है, इसलिए वे किले में वापस लड़ने के लिए तैयार हैं। हमेशा की तरह बल क्षेत्र आने वाले बीम को रोकने के लिए ऊपर
आता है, हालांकि पैन कुछ अजीब नोटिस करता है। जबकि ढाल में कई छेद किए गए हैं, दुश्मन के रोबोट अभी भी हमला नहीं करते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि यह एक जाल है। एलियंस उनसे बार बार मैदान की मरम्मत करवा रहे हैं ताकि वे शांतान से बाहर निकल जाएं और शहर रक्षाहीन हो जाएं। अगली बार जब कोई बीम मैदान से गुजरती है तो यह किले के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाती है और रोबोट अंततः अपना रास्ता बनाते हैं। सैनिकों के पास आमने सामने लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन केवल गोलियां ही काफी नहीं होती हैं और उनमें से कई इस प्रक्रिया में मर जाते हैं। ईगल्स लड़ाई में शामिल होते हैं एमदत के लिए बैकअप, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और ड्रोन पर नियंत्रण पाने के लिए अंदर जाना पसंद करते हैं। जबकि ईगल्स बल क्षेत्र को ठीक करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं, समिति यून के आदेशों के खिलाफ जाती है और एक आदमी को तोप को सक्रिय करने के लिए भेजती है। वे अपने सभी शांतान को खोने से बचाने के लिए पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यह मातृत्व पर काफी जोर से प्रहार करता है। ईगल्स भी सफलतापूर्वक क्षेत्र की मरम्मत पूरी कर लेते हैं, इसलिए मातृत्व के पास चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आसपास एक रोबोट उतना नष्ट नहीं होने का खुलासा करता है जितना उन्होंने सोचा था। बाद में शाम को ईगल्स अपने शौक के साथ कुछ समय बिताते हैं और जियांग अंततः लिन लैन को बाइक की सवारी पर आमंत्रित करने का साहस करता है। हालांकि यह एक सपना साबित हुआ, लेकिन जब जियांग जागता है तो उसे पता चलता है कि एक और अच्छी खबर है। ईगल्स को कल रात उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए पदोन्नत किया गया है। यी ने फैसला किया कि उन्हें अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने की जरूरत है और टीम मस्ती करने के लिए एक क्लब में जाती है। लेकिन जियांग लिन लैन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। जब वह छत पर सोच विचार कर रहा होता है, यी उसकी मनोच्छा पर ध्यान देता है और उसे सलाह देता है कि वह लिन लैन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने से न डरे, क्योंकि कौन जानता है कि भविष्य में एलियंस उसे ऐसा करने देंगे या नहीं। कुछ समय बाद टीम टीवी पर देखती है कि कैसे तोप चलाने वाले व्यक्ति को और भी बेहतर पदोन्नति मिलती है और अपने भाषण के दौरान वह संदर्भित करता है किसी प्रियजन को। जियांग सोचता है कि यह लिन लैन है और बहुत उदास मूड में है। बाद में शाम को जियांग रात के खाने के लिए एक नूडल रेस्तरां में जाता है और वहां लिन लैन को पाकर हैरान रह जाता है। वे दुनिया को बचाने के दबाव पर चर्चा करते हैं और युद्ध में खोए हुए लोगों को विलाप करते हैं। यह देखते हुए कि लिन लैन कितनी तनाव में है, जियांग आखिरकार उसे खुश करने के तरीके के रूप में उसे उपहार देने के लिए पर्याप्त बहादुर है। उसके जाने के बाद जियांग उसे एक संदेश भेजता है जिसमें उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा जाता है और वह यह देखकर प्रसन्न होता है कि वह स्वीकार करती है। अगले दिन पान और जेंग यू ने जियांग को उसकी तारीख को प्रभावित करने के लिए चमड़े की जैकेट में डाल दिया। हालांकि यी को लगता है कि यह उचित नहीं है और इसके बजाय उसे अपनी वर्दी पहनने को कहता है। क्षण भर बाद जियांग लिन लैन से मिलती है और यह सुनकर निराश हो जाती है कि वह केवल जनरेटर पर जांच करने के लिए मिलना चाहती थी। जबकि जियांग रखरखाव करता है, लिन लैन उसे अपने प्रशिक्षण के दिनों के बारे में बताती है और कैसे उसके पिता एक ठंडे सैनिक थे जो युद्ध में मारे गए थे। लिन लैन स्मृति पर रोने में मदद नहीं कर सकती है और जब वह आकाश को देखती है तो वह जियांग से कहती है कि वह आशा करती है कि वे एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां बच्चे बल क्षेत्र को बनाए रखने वाले बीम के बजाय ऊपर देख सकें और सितारों को देख सकें। कुछ समय बाद लोग यह देखकर घबरा जाते हैं कि जमीन फटने लगी है, मानो कोई अदृश्य भूकंप इस क्षेत्र में आ गया हो। ये उन समिति को बताता है कि ऊर्जा जमा स्थिर नहीं है और तोप के उपयोग ने इसे और भी बदतर बना दिया है, जिसका अर्थ है कि बल क्षेत्र का जोखिम जल्द ही कम हो जाएगा। अचानक एक अलर्ट उन्हें चेतावनी देता है कि फोर्स फील्ड पर रहस्यमय तरीके से दरारें दिखाई दे रही हैं। इसलिए यून ईगल्स को उनकी मरम्मत करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कमांड सेंटर में वापस जाता है। कुशल टीमवर्क के लिए धन्यवाद, क्षेत्र वापस सामान्य हो जाता है, लेकिन इस दर पर यह केवल अस्थायी है। उस समय एक रोबोट छत से कमांड सेंटर में घुस जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। सैनिक अपनी बंदूकों से इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियां इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। पैन इसे आग बुझाने वाले यंत्र से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी कुछ नहीं करता है और रोबोट इसे निष्क्रिय करने के लिए बल क्षेत्र पैनल में खींचने से पहले बदले में पैन को हिट करने में संकोच नहीं करता है। अपनी मरणासन्न सांस के साथ पान आत्मविनाश के क्रम को सक्रिय करता है और कमरे में विस्फोट होने से पहले जियांग और जेंग यू को रोते हुए यी को बाहर खींचना पड़ता है। रोबोट के नष्ट हो जाने पर बल क्षेत्र तुरंत वापस ऊपर चला जाता है। शाम को टीम पान और अन्य हताहतों के सम्मान के साथ शोक मनाने के लिए एक क्षण लेती है और यी ने पान के टैग दिए। जब वे अपने छात्रावास में लौटते हैं तो जियांग यी पैन की बाइक की चाबी देता है, क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि उसके पास यह हो। कुछ समय बाद समिति शंघाई को छोड़ने के विकल्प पर चर्चा करती है, लेकिन यून मना कर देता है और खुलासा करता है कि उसने अपने आखिरी मौके के लिए युद्ध की योजना बनाई है। विचार यह है कि बल क्षेत्र को बंद कर दिया जाए और उस सारी शक्ति को तोप पर निर्देशित कर दिया जाए ताकि यह इतना मजबूत हो जाए कि मातृशक्ति को नष्ट कर सके। ईगल्स को ढाल के बजाय बचाव करना होगा और टीम मिशन को स्वीकार करती है, भले ही यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो। यून लिन लैन को शांतान कमरे में रहने और पहरा देने के लिए भी कहता है। सड़कों के खाली होने तक
सभी नागरिकों को आश्रयों में भेज दिया जाता है। इससे सैनिकों को अधिक स्वतंत्र रूप से लड़ने और हर कोने पर टैंक रखने की अनुमति मिलेगी। इससे पहले कि वे लड़ाई में शामिल हों, प्रत्येक सैनिक एक बॉक्स के अंदर एक वस्तु छोड़ देता है जो शहर के खंडहर हो जाने की स्थिति में 100 साल तक चलेगा। जेंग यू अपने माता पिता के लिए एक पत्र छोड़ता है और यी पैन की चाबियां छोड़ देता है। जियांग अपना फोन चुनता है, लेकिन सबसे पहले वह लिन लैंग को अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए एक संदेश भेजता है। दुर्भाग्य से मौजूदा बिजली की समस्या के कारण इसे नहीं भेजा जाता है। इस बार ईगल्स को ड्रोन नियंत्रित करने के बजाय वास्तविक विमान उड़ाने होंगे। जैसे ही फोर्स फील्ड को बंद किया जाता है, एलियन रोबोट नीचे उतरते हैं और आसमान में भयंकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। ईगल्स ड्रोन की एक सेना के साथ मिलकर हवा में अपने कौशल का समन्वय करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं है और कुछ रोबोट कमांड सेंटर पर हमला करने के लिए उनके पास से उड़ते हैं। अपनी टीम के लिए उत्साहजनक अंतिम शब्दों के साथ कमरे में विस्फोट होने पर यून की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रोबोट शांटांग सुविधा के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, इसलिए ईगल्स और टैंक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक और लड़ाई शुरू होती है जिसमें दोनों पक्ष हर सेकंड में सैनिकों को खो देते हैं, लिन लैंग तोप की जांच करता है और पता चलता है कि यह पूरी तरह से चार्ज है। उन्हें केवल सही स्थिति में आने के लिए मातृत्व की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। रोबोट जमीन पर रक्षा की रेखा को तोड़ने का प्रबंधन करते हैं और उनमें से एक यी के विमान पर कूद जाता है। जियांग उसे एक फ्लिप करने के लिए कहता है और अपने विमान के साथ रोबोट को मारने के लिए करीब उड़ता है। दुश्मन को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है, लेकिन आग पर अपने पंखों को भी पकड़ लेता है। जियांग के पास आपातकालीन पॉड में खाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो युद्ध के ठीक बीच में उतरता है। वह तुरंत अपनी बंदूकों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है, जितना संभव हो सके रोबोटों पर शूटिंग करता है और जब एक रोबोट उसे मारने वाला होता है, यही दिखाता है और उसे अपने विमान से गोली मार देता है। फिर वह पान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ साथ पैदल भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। इस बीच जेंग यू तोप की ओर बढ़ने की कोशिश करने के लिए मदरशिप की ओर उड़ता है। हालांकि उसके आसपास बहुत सारे रोबोट हैं, इसलिए उसे बैकअप की जरूरत है। यी कमांड सेंटर में वापस जाती है और पान के बारे में सोचते हुए वह एक विशेष ग्रेनेड को सक्रिय करती है जो अच्छी मात्रा में रोबोटों को निकाल लेता है। इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान कर देता है, जबकि जियांग यी के विमान का उपयोग करके जेंग यू के साथ हवा में जुड़ जाता है। अंत में मातृत्व गति करता है, तोप को तुरंत गोली मार दी जाती है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हवा साफ हो जाती है तो हर कोई यह जानकर चौंक जाता है कि हमला विफल हो गया, क्योंकि रोबोट ने मातृत्व की रक्षा के लिए शॉट लिया। लगभग कोई उम्मीद नहीं बची होने के कारण लिन लैंग को याद है कि यून ने उसे वहां क्यों छोड़ा था। तोप को बल क्षेत्र से ऊर्जा के साथ दागा गया था, लेकिन अंतिम उपाय के रूप में वे शेष शांतांग ऊर्जा के साथ एक बार और गोली मार सकते हैं। यह शहर को शक्तिहीन बना देगा और भूमि को डूबने का कारण बनेगा। जोखिमों को स्वीकार करते हुए तोप रिचार्ज करना शुरू कर देती है, जबकि जेंग यू और जियांग इसकी रक्षा करना जारी रखते हैं। एक रोबोट शांतांग सुविधा के अंदर घुसने का प्रबंधन करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारना शुरू कर देता है, लेकिन उस समय लिन लैंग लीवर को खींचती है और अंतिम उपाय को सक्रिय करती है। सभी इमारतें और जमीन डूबने लगती हैं। अपने साथ रोबोट को नीचे लाते हैं और मरने से पहले लिन लैंग दिल को छू लेने वाला भाषण देता है जो जियांग को रुला देता है। मामले को बदतर बनाने के लिए सैनिकों को पता चलता है कि डूबने के दौरान तोप की मार्गदर्शन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। जियांग उन्हें इंफ्रारेड गाइडेंस डिवाइस खोलने और उसे अपनी स्थिति। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।